प्रदेश के हर छोटे बड़े मुद्दों को देंगे प्राथमिकता। गरीब, पीड़ित, वंचित, शोषितों की उठाएंगे आवाज। गांव हो या शहर, हर खबर पर होगी हमारी नजर। आप देख रहे हैं न्यूज राजस्थान 24, हमेशा आपके हित में। नमस्कार, मैं हूं तान्या, आप देख रहे हैं न्यूज राजस्थान 24। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर की ओर। दिल्ली शराब नीति केस से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सीबीआई ने गुरुवार को बीआरएस नेता के कविता को तिहाड़ में गिरफ्तार किया। कविता 26 मार्च से तिहाड़ में बंद है। सीबीआई कविता की रिमांड मांगने के लिए शुक्रवार यानी 12 अप्रैल को उन्हें अदालत में पेश करेगी। रिमांड मिलने पर कविता को सीबीआई हेडक्वार्टर ले जाया जाएगा, जहां एंटी करप्शन ब्रांच की टीम उनसे पूछताछ करेगी। इससे पहले सीबीआई ने दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट से इजाजत लेकर 6 अप्रैल को तिहाड़ में जाकर कविता से पूछताछ की थी कि कविता के सह आरोपी बूची बाबू के फोन से बरामद व्हाट्सएप चैट और एक जमीन सौदे से संबंधित दस्तावेजों के बारे में सवाल जवाब किए गए थे। आरोप है कि जमीन सौदे के बाद आम आदमी पार्टी के 100 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया था। के कविता तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी है। ईडी ने उन्हें 15 मार्च को हैदराबाद के बंजारा हिल्स स्थित उनके घर से गिरफ्तार किया था। 16 मार्च को राउस एवेन्यू कोर्ट ने कविता को 23 मार्च तक ईडी की रिमांड पर भेजा था।